Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dua Malik and in this video I'm going to tell you life coaching होती क्या है, इसको हम proceed कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका कार है और इससे हमें क्या क्या हासिल होगा. Because ये वो सवाल हैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जब लोग मुझे कॉल करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं. लाइफ कोचिंग लेने से पहले, बुक करने से पहले हमें, हम सबके जहनों में ये सवाल होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी. देखिए, लाइफ कोचिंग होती क्या है. लाइफ कोच कोई डॉक्टर नहीं होता, वो आपको दवाइयाँ नहीं दे सकता. लाइफ कोच और एक साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है कि साइकोलॉजिस्ट शायद आपको कमांड कर सकता हो, लाइफ कोच आपको कभी भी कमांड नहीं करेगा या आपको मशवरा नहीं देगा, अपना मशवरा नहीं देगा. ठीक है, वो आपसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेगा कि आप कि दिमाग की ग्राहें खुद ही खुलती जाएंगी. देखिए, हमारे ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ लाइफ होता है, जो ज़िंदगी का पहिया होता है, इसके पांच हिस्से होते हैं. हमारा करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी यानी कि रिलीजन, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप्स जो कि हमारे स्पाउस से हो सकते हैं स्पेसिफिकली, और हमारी हेल्थ. इन पांचों चीज़ों के, इन पांचों खानों में अगर कहीं भी ख़राबी पैदा हो जाए या इन पांचों खानों में अगर कहीं भी हम बेहतरी हासिल करना चाहते हैं तो हम एक लाइफ कोच हायर कर लेते हैं. ठीक है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है, हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन होता है. हम ये समझते हैं कि हम अपने शऊर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शऊर से सारे फैसले ले रहे हैं, वेयर एज़ असल में हम अपने लाशऊर से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और लाशऊर से फैसले ले रहे होते हैं. जब हम लाइफ कोचिंग करवाना शुरू करते हैं, अपने कोच के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, सेशन लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे लाशऊर में क्या क्या था और क्या क्या असल ऐसी बातें थी जो हमें तंग कर रही थी. कुछ लोग लाइफ कोचिंग अपनी हेल्थ के लिए लेते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, अपना वेट लूज करने के लिए, क्योंकि उनको मोटिवेशन चाहिए होती है. उनको ये नहीं पता होता कि उनके वेट लॉस में जो है एक्सरसाइज की कमी नहीं है बल्कि इमोशंस की ज़्यादती है. इमोशंस इतना ज़्यादा हावी हो चुके होते हैं हमारे दिमाग में कि वो हमें वर्कआउट भी नहीं करने दे रहे होते, वो हमें जगह से हिलने नहीं दे रहे होते, वो हमें डाइट नहीं करने दे रहे होते, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपना कम्फर्ट ढूंढ रहे होते हैं अपने खाने में. हमें मज़ा आ रहा होता है खाना खा के. तो बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं. वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, तो रिलेशनशिप में मैं आऊँ, टू वे रिलेशनशिप कोचिंग भी होती है जो कि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा आम है. अगर मियाँ बीवी दोनों में प्रॉब्लम्स हैं तो मियाँ और बीवी दोनों के 6-6 सेशंस होंगे अकेले, और फिर 6 सेशंस आपके साथ मिलके होंगे. ठीक है, उससे ये होगा कि आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगा और आप एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे. मगर ये सिर्फ तब होता है जब दोनों तरफ से निभाने की चाह हो. अगर हम वन वे सेशन करते हैं, वन वे थेरेपी करते हैं, जैसे कि सिर्फ एक औरत की कर रहे हैं, हम बीवी की कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत हद तक अमेजिंगली सेट हो जाती हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं एक और सवाल के, कितनी देर का सेशन होता है. पहले हफ्ते में 2 सेशंस मैं करती हूँ और फिर हर हफ्ते 1 सेशन होता है. 45 मिनट्स टू 1 आवर ये सेशन होता है. पहले सेशन में मैं आपका पर्सनल हिस्ट्री क्वेश्चनेयर करती हूँ, जहाँ पे मैं आप सारे अपने दिल की बातें निकाल के मेरे सामने रख देते हैं और मैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेती हूँ और मैं सारी चीज़ें अपने पास संभाल लेती हूँ, और फिर वो झाड़ पहुँच के उसकी सफाई करके, शीशा साफ करके वापस आपका दिल आपको दे देती हूँ. 1 घंटे का सेशन होता है और बीच में जो पहले हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं, फिर हम एक हफ्ते का ब्रेक इसलिए लेते हैं कि हमने जो इतनी हैवी टॉक्स की होती हैं, हमने इतनी हैवी बातें की होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए, उन पर मज़ीद आगे पुख्तगी सोच में लाने के लिए एक हफ्ते का टाइम चाहिए होता है आपके लाशऊर को. क्योंकि हमारा लाशऊर जो होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो होता है. हमारा शौरी दिमाग बड़ा तेज़ होता है. ये जो होता है ना, इसमें चीज़ बड़ी मुश्किल से जाती है, तो उसमें आपको एक हफ्ता लगता है. फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आपके पास कॉन्स्टेंट एक बंदा होता है जो जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपसे ऐसे सवाल करता है जिनके जिन सवाल जो सवाल आपने कभी अपनी ज़ात से नहीं किए, वो सवाल करता है. अ लाइफ कोच आस्क यू गुड क्वेश्चंस. हम लोगों के अंदर आदत है कि हम लोग हमेशा गलत सवाल गलत जगह पे करते हैं लोगों से. बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए, अभी तक नहीं पैदा हुए, तुमने अपने शौहर का इलाज नहीं कराया, है ना, तुम इतनी मोटी क्यों हो, थायराइड को कभी चेक करवाए हैं, यू नो, इस तरीके की बातें हम सवाल पूछते हैं. वो सवाल नहीं करते जो कि
जो कि हमें बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिलती है, टू डू लिस्ट मिलती है, गोल सेटिंग होती है, गोल सेट करके लाइफ कोच आपके साथ मिलकर आपके गोल सेट करता है, आपके नेगेटिव इमोशंस उखाड़ के फेंक देता है, उनको बेटर पॉजिटिव लर्निंग्स के तौर पे तब्दील करता है, जैसे एंगर, गुस्सा, उदासी, खौफ, धोखा और गिल्ट, एहसास शर्मिंदगी, ये सारी चीज़ें निकाल के पॉजिटिव लर्निंग बना देता है। अब जब आप ये सोचें कि हम हमारे अंदर से अगर नेगेटिव इमोशंस ही इतने कम हो जाएं तो हम कितना अच्छा फील करें, ठीक है। गोल सेट करता है, नेगेटिव इमोशंस निकालता है, नेगेटिव थिंकिंग निकालता है, लिमिटिंग बिलीव्स, वो सारे ख्यालात जो हमको लगता है कि जैसे अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा करियर कुछ नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, कुछ बनने भी नहीं देता और कुछ होने भी नहीं देता, इस सोच को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, सोच को तब्दील करते हैं। और ये सेशंस करते करते हमें पता चलता है, अमूमन क्लाइंट्स को पता चलता है कि असल मसला क्या था। मसला हम लेकर आते हैं कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता, और या मसला हम लेकर आते हैं कि मैं बहुत एंजाइटी फील करता हूँ, और असल में मसला ये निकलता है कि आपको कोई घर में ही किसी शख्स के साथ कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर दे रही है जो आपको एंजाइटी दे रही है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़, कोपिंग अप स्ट्रैटेजीज़ आपको पता चलती हैं ज़िंदगी में। हम अमूमन, इफ़ यू गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, यू यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। अगर आपकी ज़िंदगी का रिजल्ट सेम 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 आ रहा है, मतलब कि आप एक ही काम किए जा रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी जो है वो आपका लाइफ कोच आपको चेंज करके देता है। आपका परसेप्शन, जो देखने का नज़रिया है आपको दुनिया की तरफ, जो लोगों को देखने का नज़रिया है, रिश्तों को, स्पिरिचुअलिटी को, हेल्थ को, हर चीज़ को जो देखने का नज़रिया है, वो बहुत बदलता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल। बैरूनी ममालिक में, पाकिस्तान से बाहर, यूरोपियन ममालिक में स्पेशली बहुत ज़्यादा रुझान है लाइफ कोच का। हर सक्सेसफुल बंदा जो है वो एक लाइफ कोच हायर करता है, और पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि कोई पागल हो तुम जो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो। तो ये लाइफ कोच जो होता है वो बहुत डिफरेंट, एक सबसे एडवांस वर्जन है साइकोथेरेपी की, और ये बिल्कुल दोस्तों की तरह होता है, बिल्कुल दोस्तों की तरह होता है। यहाँ पे एक जो कोच होता है वो आपको जज कर ही नहीं सकता, मतलब मेरे अंदर जज करने का मादा है ही नहीं, होगा ही नहीं अगर मैं एक लाइफ कोच हूँ तो, जैसा हकीकत है। इसके अलावा क्या क्या सवाल आते हैं ज़रा मुझे याद करने दें। हाँ जी, कि होगा कैसे और कहाँ पे? देखिए, अगर हम गूगल भी करें तो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन लाइफ कोचिंग जो है वो अब सारी दुनिया में ऑनलाइन लाइफ कोचिंग होती है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक जगह मुझे बुलाएं, या इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मीट अप, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लिनिक एट ऑल, बिकॉज अ लाइफ कोच इज समवन हु ऑलवेज वुड टेल यू दैट यू आर अ नॉर्मल पर्सन, राइट, एंड दैट इज हाउ यू बिगेन टू चेंज थिंग्स टूवर्ड्स बेटरमेंट, राइट। सो इट इज़ ऑनलाइन, इट कुड बी ऑन अ वीडियो कॉल, हम वीडियो कॉल भी करते हैं एक घंटे की, हम ऑडियो कॉल भी करते हैं एक घंटे की, इट कुड बी स्काइप, इट कुड बी व्हाट्सएप, इट कुड बी फेस टाइम, इट कुड बी एनीथिंग। सो आई होप दिस हेल्प्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू बुक योर सेशन यू कैन व्हाट्सएप मैसेज ऑन द नंबर गिवन बिलो, जो नंबर बिजनेस नंबर है मेरे फेसबुक फैन पेज पे भी, इंस्टाग्राम पेज पे भी, और इस वीडियो के नीचे भी एक नंबर आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कॉल करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।